हेलो एवरीवन, मैं सर दीक्षित कुमार। आज हम केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम का जो चैप्टर हमारा चल रहा था सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन, जिनमें हमने लास्ट लेक्चर तक आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात करी थी। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में हमने मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर देख लिया था। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कहें या इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टॉपिक का नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में हम समझेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते किसको है उसकी हम बात करेंगे, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हमें इस चैप्टर में पढ़नी है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते किसको है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करते, ठीक है। मतलब क्या प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ओनली। मतलब यह कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितनी मात्रा में आपने ले रखा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये कि नेचर ऑफ सॉल्यूट डज नॉट अफेक्ट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ये कि किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्यूट का नेचर अफेक्ट नहीं करेगा। फर्स्ट दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीधा प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ सॉल्यूट की अमाउंट पर डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन एक और पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में अफेक्ट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये कि अगर नेचर ऑफ सॉल्यूट तो अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट आपने कैसा ले रखा है वो जरूर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर सकता है। इस पॉइंट के बारे में हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करनी, लेकिन आपको पता होना चाहिए नेचर ऑफ सॉल्यूट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट आप कैसा ले रहे हो वो नेचर जरूर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बदलाव कर सकता है। तो जनरली ये तो थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हम कहते किसको है, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इन्फॉर्मेशन होगी। अब मैं बात करूंगा कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, जो सबसे पहली है उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको पढ़ाऊंगा। किसमें पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ का सेकेंड केस, किसमें पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ का सेकेंड केस। तो सबसे पहली हमारी आ रही है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहली कौन सी आ रही है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हमारा सबसे पहला क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं RLVP, क्या कहते हैं, शॉर्टली RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड जो हमारी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब है बढ़ना, एलिवेशन का मतलब क्या, बढ़ना, तो बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड पॉइंट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपका थर्ड पॉइंट कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो है आपका वो है ओस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ पॉइंट आपका है ओस्मोटिक प्रेशर। कुल ये चार प्रकार की क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है, कौन कौन सी, तो सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग, RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ओस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का इंट्रोडक्शन पार्ट, किसे कहते हैं हम क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड ऑन ओनली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज क्वालिगेटिव
प्रॉपर्टी। खास बात, द नेचर ऑफ सॉल्यूट विल नेवर अफेक्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूट का नेचर कभी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट मे अफेक्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब नेचर ऑफ सॉल्वेंट जरूर अफेक्ट कर सकता है। और चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम हमारा पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहले हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसको ध्यान से सुन लीजिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्यों आती है, तो ये कब होगा, जब मान लीजिए आप सॉल्यूशन बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए आपने क्या लिया, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये लेकर आपने क्या बना दिया, सॉल्यूशन। क्या लिया आपने, आपने लिया एक सॉल्वेंट लिया और उसमें क्या डाल दिया, सॉल्यूट, जिससे आपके पास क्या बन गया, सॉल्यूशन। लेकिन ये कौन सा सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने जो सॉल्वेंट लिया है वो अगर आपने ले लिया है वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब कौन सा, विच कैन इजीली इवेपोरेट, जो आसानी से क्या बनाता है, प्रेशर वेपर्स बनाता है। और सॉल्यूट कैसा हो गया, नॉन वोलेटाइल। ये खास बात है, कब होगा आपका, तो याद रखें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कब होगा, सॉल्वेंट आप ले रहे हैं वोलेटाइल नेचर में, सॉल्यूट आप ले रहे हैं नॉन वोलेटाइल, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब आप क्या बना देते हैं सॉल्यूशन, तब आपकी क्या हो जाएगी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। उसका कारण समझना, उसका कारण क्या है, अब देखिए आपने क्या ले रखा है, एक सॉल्वेंट है जो नेचर में कैसा है, वोलेटाइल। तो मुझे बताइए उसके सरफेस के ऊपर आपको सारे पार्टिकल्स किसके मिलेंगे, ऑब्वियसली एयर के मिलेंगे। मतलब जितने ज्यादा यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स हैं, उतनी ज्यादा मात्रा में यहाँ क्या बनेगी, वेपर्स। क्या बनेंगे, वेपर्स। किसके वेपर्स बन रहे हैं, ये एयर के। किसके वेपर बन रहे, एयर के। तो मान लीजिए ये जो वेपर्स इसकी सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगा रहे हैं, वो वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए। क्या होगा, पी नॉट ए। अब ध्यान से समझना, कोई पूछे पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, अभी इसके अंदर कुछ भी मिला हुआ नहीं है। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस आपने क्या डाल दिया इसके अंदर, सोल्यूट। सोल्यूट कैसा है, साहब नेचर में बताइए मुझे सोल्यूट कैसा है, तो ये नॉन वोलेटाइल है, इसके सरफेस के ऊपर सारे पार्टिकल्स आपको कौन से मिलेंगे, बी 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 मिलेंगे। अब यहाँ पर किसी प्रकार से कोई वेपर नहीं बन रही है, क्यों, क्योंकि ये नेचर में कैसा है, नॉन वोलेटाइल, तो इसका कुछ भी वेपर प्रेशर नहीं होगा। ये आ गया आपका बी। अब देखो यहां पर इसका वेपर प्रेशर तो नहीं बना, लेकिन फिर भी ये क्या कर देगा, इसकी वेपर प्रेशर को कम कर देगा। कैसे कर देगा, ध्यान से समझना, यहां पर सारे पार्टिकल्स एक ही थे, लेकिन जैसे ही आपने इन दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद यहाँ पर सॉल्यूशन बन गया आपका ए बी। तो अब मुझे बताइए क्या इसके सरफेस के ऊपर सारे पार्टिकल्स ए के मिलेंगे क्या, ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे। क्या सारे पार्टिकल बी के मिलेंगे क्या, नहीं। क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स होंगे ए के और कुछ पार्टिकल्स होंगे बी के, बिकॉज इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो मान लीजिए ये ए आ गया, बी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, ऐसा हुआ। अगर अब आपको कोई पूछे कि यहां पर प्योर सॉल्वेंट का क्या था वेपर प्रेशर, तो आपने क्या, पी नॉट ए। क्या अभी भी यहां पर वेपर प्रेशर पी नॉट ए है क्या, सोचिए कैसे होगा पी नॉट ए, यहां जितनी मात्रा थी उतनी मात्रा यहां है, मतलब वेपर्स में क्या थी, कमी। तो वेपर प्रेशर में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इसकी तुलना में यहां पर किसकी वेपर प्रेशर में कमी आ रही है, तो सॉल्वेंट ए की वेपर प्रेशर में कमी आ रही है। फिर समझना किसमें कमी आ रही है, यहाँ पर सॉल्वेंट ए की वेपर प्रेशर पी नॉट ए थी, यहाँ पर सॉल्वेंट ए की वेपर प्रेशर हम मान लेते हैं पी ए, कितनी है, पी ए, ठीक है। तो यहाँ पी नॉट ए थी, यहाँ पी ए होगी, मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पर क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर में कमी हो रही है। इसी वेपर प्रेशर में कमी को हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर आपको पूछा जाए कितनी कमी हुई, तो आप क्या करोगे, कंपैरिजन किसके रेस्पेक्ट में, इसको लोगे इसके रेस्पेक्ट में। तो जब मैं इसको इसके रेस्पेक्ट में लूंगा, तो उसी को मैं कहता हूँ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखना, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का जो टॉपिक मैंने आपको बताया उसमें आ चुका होगा। हमने क्या किया था, एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें एक वोलेटाइल सॉल्यूट लिया, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया, जिसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था पी नॉट ए, जिससे यहाँ पर वोलेटाइल सॉल्वेंट जो था उसका वेपर प्रेशर कम होकर हो गया पी ए। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ,
अब ध्यान से समझिए, आपको इस पूरी घटना से एक चीज तो ये समझ में आ गई, क्या समझ में आया? तो पहली चीज ये समझ में आया कि P नॉट A अभी ग्रेटर देन P है, ये चीज तो सबको पता पड़ गई होगी कि इनिशियल वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा है, ठीक है, पहली चीज ये पता पड़ी। दूसरा, अब आप सभी पीए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, कहां से निकाल सकते हो? तो अकॉर्डिंग टू आर ए ओ यू एन टी एस राहुल स्लो, क्या बताया था राहुल ने? तो राहुल स्लो से हमें ये पता था द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब ये कि द वेपर प्रेशर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, मतलब किसी का भी वेपर प्रेशर उसी सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या? पी ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एक्स ए के। तो मुझे बताइए पी ए विल बिकम्स इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, इक्वेशन नंबर वन। पी ए किसके इक्वल हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए के। अब नाउ अब आपको पूछा जाए पी वी, तो पी वी भी निकाल सकते थे राहुल स्लो से, लेकिन हमको पता है कि यहां पर वेपर प्रेशर बी की है ही नहीं, क्यों नहीं है? सिंस बी इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज नेग्लिजिबल, हम उसको गिनेंगे नहीं, नगण्य मतलब जिसकी गणना हम नहीं करेंगे, अगर वो नगण्य हो गया देन टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी वी, इक्वेशन नंबर को भी इक्वेशन नंबर बन दो, बट लेकिन क्या पीबी इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, पीबी कैसा है? नॉन वोलेटाइल इन नेचर, सो इट इज नेग्लिजिबल, ये किसा हो जाएगा? नेग्लिजिबल, इसकी गणना आपको नहीं करनी है। अब मैं क्या उसको नहीं गिन रहा हूं, तो मुझे बताइए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? पीए के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? पीबी को नहीं गिन रहे तो पी किसके इक्वल हो गया? पीए के, इक्वेशन नंबर टू। अब देखो पीए की वैल्यू ले आते हैं, याद रख दीजिए बाय द इक्वेशन वन एंड टू, समीकरण नंबर एक व दो से पी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स, इक्वेशन नंबर थ्री। यहां तक आपको करना था, एक बार यहां तक सबको समझना चाहिए, हमने क्या किया तो हमको ये पता पड़ गया कि प्योर सोलेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर से ज्यादा था, तो अकॉर्डिंग टू राहुल स्लो पीए बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, पीए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स है। तो अगर आपको पूछा जाए कि टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो हम क्या करते थे? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, लेकिन हमको पता है कि सॉल्यूट बी इज वोलेटाइल इन नेचर, सो इट इज नेगलिजिबल, अगर मैं बी को हटा दूं तो पी किसके बराबर हो गया? पी बिकम्स इक्वल टू पी ए, और पी ए की वैल्यू इक्वेशन वन से ले जाकर इक्वेशन टू में हमने रख दी, तो हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई। उस इक्वेशन थर्ड को मैं आगे प्रमोट कर रहा हूं, अब हम इक्वेशन थर्ड को ऊपर प्रमोट करेंगे, इक्वेशन थर्ड है हमारी पी नॉट ए एक्स है, इक्वेशन थर्ड कौन सी हमारी? पी नॉट ए एक्स है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने रिलेटिव लॉ क्वालिटी प्रॉपर्टी की जब बात करी थी, तो मैंने उसमें आपको कहा था कि हम जो क्वालिटी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं उसमें हमको क्या लेते हैं? सोल्यूट लेते हैं, क्या लेते हैं? सोल्यूट। तो यहां पर भी आपको क्या लेना पड़ेगा? सोल्यूट लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ए का मतलब सॉल्वेंट है, कहीं भी सॉल्यूट का जिक्र नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम यहां से सॉल्यूट में जा सकते हैं, कैसे? तो वी नॉट एट, वी नॉट एट क्या बताए आपको? एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन माइनस एक्स बी, इक्वेशन नंबर फोर। एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन माइनस एक्स बी। अब क्या करोगे आप इस एक्स के मान को यहां ले जाकर रख दो बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन तीन और चार से क्या हो जाएगा? पी इज इक्वल टू पी नॉट ए वन माइनस एक्स बी, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए वन माइनस एक्स बी। अब क्या होगा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं इसको, ये हमने वैल्यू रख दी। अब अगर आपको पूछा जाए कि आप एक्स बी का मान निकालिए, इसका मान निकालिए एक्स बी का, तो आप इसको पूरे को यहां ले लीजिए और इसको यहां ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा? पी नॉट ए एक्स बी
इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी, ध्यान से देखना क्या गया, पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी, और एक्स बी बिकम्स इक्वल टू क्या हो गया पी नॉट ए माइनस पी डिवाइड बाय P नॉट ए, इक्वेशन नंबर फोर। ये क्या किया आपकी इक्वेशन नंबर फोर, क्या किया आपने P नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस पी, तो एक्स बी बिकम्स इक्वल टू P नॉट ए माइनस पी अपॉन P नॉट ए। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैंने क्या कहा एक्स बी, अब समझना, पहले अपन ने समझाया था मैंने P नॉट ए क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन प्योर सॉल्वेंट, मतलब ये बड़ा था, पी ए क्या था, तो पी ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखना आपने यहां पर क्या किया P नॉट ए माइनस पी, तो P क्या था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P, तो आपने किया P नॉट ए माइनस पी, मतलब पहले वेपर प्रेशर इतना बाद में इतना, ये क्या रहा है डिफरेंस ही तो आ रहा है, क्या रहा है डिफरेंस, तो P नॉट ए माइनस पी को हम क्या कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लेकिन किसकी तुलना में, तो P नॉट ए की तुलना में, तो देखो P नॉट ए माइनस पी डिवाइड बाय P नॉट ए, तो ये पूरा जो है वो आपका कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसके रेशियो में आ रहा है, तो देख लीजिए मास ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब आप इसको थोड़ा सा और आगे ले जा सकते हैं, अब मैं इक्वेशन 4 को ऊपर की ओर प्रमोट कर रहा हूं, ध्यान से देखें इक्वेशन 4 क्या है आपकी, एक्स बी बिकम्स इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, इक्वेशन नंबर 4, इसको मैंने ऊपर की ओर प्रमोट कर दिया। अब आप आगे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक्स बी क्या है, तो एक्स बी इज इक्वल टू है हमारे पास मोल फ्रैक्शन वी नॉट ए, वी नॉट एट एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है ये आपके पास है। नाउ एन इज इक्वल टू क्या है डब्ल्यू बाय एम, पता होना चाहिए सबको क्या नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। अब आप इस वैल्यू को ले जाके यहां रख सकते हो, तो इससे क्या हो जाएगा एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी बाय एम बी, एन एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाय एम ए। अब इन यहां से एन बी की वैल्यू और यहां से एन ए की वैल्यू ले जाके रख दो, तो एक्स बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी होल डिवाइड बाय डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि डब्ल्यू बी बाई एम बी किसकी बात है सोल्यूट की बात है, और हम ये जानते हैं कि सोल्यूट क्या है मिनिमम अमाउंट, मतलब बहुत छोटी मात्रा में, मतलब क्या कि डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये जो है ये वैल्यू डब्ल्यू बी एम बी की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब ये कि आप इसको नेग्लिजिबल काउंट कर सकते हो, इसके होने या नहीं होने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो अब आप इसको जब नेग्लिजिबल काउंट करोगे तो अगली स्टेप आ जाएगी आपके पास, वो आएगी एक्स बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये इक्वेशन आएगी आपके पास। अब आप क्या करोगे अगली स्टेप में, एक्स बी बिकम्स इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर फोर। आपके पास इक्वेशन थर्ड थी, अब आ गई इक्वेशन फोर। अब मैं एक बार इक्वेशन थर्ड यहाँ पर पहले लिख देता हूँ जिससे आपको पता पड़ जाएगी कि हमें क्या करना है। तो इक्वेशन थर्ड आई थी आपके पास क्या, एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, यही आई थी इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड थी, ये इक्वेशन आपकी फोर्थ। तो एक्स बी की जगह आप ये वैल्यू रख दीजिए, आपको क्या आ गया डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम बी इंटू एम ए, ठीक है ये आ गया आपके पास, एम ए ऊपर चला जाएगा एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। अगर आपको पूछा जाए कि आप एम बी की वैल्यू निकालिए, क्या पूछा जाए एम बी की वैल्यू निकालिए, तो ये भी आपके पास लास्ट स्टेप। अब इसमें एम बी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी, ठीक है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी नॉट ए
डब्ल्यू बी इंटू एम ए। ठीक, यहाँ पे आपके पास एक और रिलेशन आप यहाँ से ढूंढ सकते हो, किसका आप देखोगे तो ये मोलरिटी या मोलरिटी किसका एक रिलेशन आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो अब आपके पास क्या निकालना था, एम ई निकालना था, तो क्या आ जाएगा, एम बी को यहाँ रहने दो, बाकी पूरा का पूरा यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो एम बी इज इक्वल टू ई नॉट ए, या फिर इसको आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, इसको यहाँ ले लीजिए और इसको इसके नीचे ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा खाली, एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा, ये एम बी इधर आ जाएगा, ये चला जाएगा इधर, तो आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए, ये तो ऊपर आ गया डब्ल्यू बी इंटू एम ए, ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा, E not A डिवाइड बाय P not A माइनस P, ये तो हो गया, और नीचे क्या बचा W A, ये आपके पास आ गया एम बी कैलकुलेट करने का, बिल्कुल क्या आ गया एम बी, एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए पी नॉट ए माइनस अपॉन पी नॉट ए माइनस पी। अब ये आप इस तरीके से किसी भी अननोन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का मास निकाल सकते हैं। अब दूसरा, जहां वेयर वैल्यू करके आप क्या बता सकते हैं, डब्ल्यू बी बराबर क्या हो गया वेट ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू बी बराबर वेट ऑफ सोल्यूट, एम ए इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एम ए इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एम बी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एम बी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू ए बराबर वेट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू ए बराबर वेट ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट ए बराबर क्या हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी बराबर क्या आ गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से आपके पास ये सारी चीजें क्या हो गई, नॉन वैल्यूज, मतलब कौन सा सिंबल क्या बता रहा है। तो ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले हमें समझना है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हमें क्या समझना है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट की कई सारी डेफिनेशन आपने पहले पढ़ चुके हो, आप जानते भी हो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पर हमारे अभी जो जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसको बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसको डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, तो उसको समझना। मतलब ये कि वह टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। वह टेम्परेचर जब सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, जिस टेम्परेचर पर वो दोनों बराबर हो जाएंगे वो टेम्परेचर पर्टिकुलर आपका कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप, ठीक है वो मैं आपको समझा दूंगा आगे। अब एक बात ये समझना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, एलिवेशन का मतलब क्या है बढ़ोतरी, एलिवेशन का मतलब बढ़ना, एलिवेट होना, बढ़ना। मतलब वहां पर क्या हो रहा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या हो रहा था कम हो रहा था, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। केस वही है, आप क्या चाह रहे हो, आपने क्या लिया एक सॉल्वेंट लिया, आपने क्या लिया एक सॉल्यूट लिया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपने क्या बना दिया सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा आपका सॉल्वेंट जिसकी सरफेस के ऊपर सारे पार्टिकल्स किसके मिलेंगे आपको एक है, किसके मिलेंगे एक है। ठीक है, इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसके अंदर आपने क्या ले लिया एक सॉल्यूट बी, क्या ले लिया सॉल्यूट बी, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपने सॉल्यूशन बना दिया ए बी। सॉल्यूशन कौन सा बना दिया, ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट आप कुछ भी मान लीजिए, इसका पर्टिकुलर कुछ बॉइलिंग पॉइंट है एक्स, कितना है बॉइलिंग पॉइंट एक्स, और ये नेचर में कैसा है वोलेटाइल, कैसा है वोलेटाइल, ये नेचर में कैसा है नॉन वोलेटाइल, ये नेचर में कैसा है नॉन वोलेटाइल। अब बात समझना वोलेटाइल और प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले इसलिए पढ़ा रखी है, सारी फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, जिसमें मैंने बताया था बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज्यादा से ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा, क्यों, क्योंकि कम बॉइलिंग पॉइंट है, टेम्परेचर देते जल्दी जल्दी वेपर बना देगा, जल्दी वेपर बनाएगा, जितनी ज्यादा वेपर्स बनेगी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही आपने इन दोनों को मिलाया तो मिलाते क्या होगा, मुझे बताइए इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या इसका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस खुद लगाइए। मैं ये कह रहा हूं यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, यहां पर आने पर इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा, सोचिए। तो
तो यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसके पार्टिकल्स कम है तो वेपर प्रेशर तो कम बन रही है, ठीक है। वेपर प्रेशर कम बन रही है इसका मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। वेपर प्रेशर कम बन रही है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और यही बढ़ोतरी जो है वो कहलाती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को वापस बताता हूं, क्या है बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मान लीजिए आपके पास ये कोई ग्राफ है, ठीक है, यहां पर आप बता रहे हो क्या वेपर प्रेशर, यहां पर क्या बता रहे हो वेपर प्रेशर, यहां पर क्या ले लिया आपने मोल फ्रैक्शन, और मान लीजिए ये आपकी क्या हो गई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन, यहां पर प्रेशर कितना आ गया 180, यहां पर प्रेशर कितना है 180। तो मान लीजिए आपने कोई सॉल्वेंट ले रखा है, पहले क्या ले रखा है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ तो होगा कि नहीं होगा, वेपर प्रेशर सॉरी यहां पर आपने क्या ले रखा है टेम्परेचर, यहां पर क्या ले रखा है टेम्परेचर, तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ होगा कि नहीं होगा, होगा। अब मान लीजिए आपने क्या किया, धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ाया, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है बताइए, सोचिए थोड़ा खुद सोचकर बताइए टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है। तो सॉल्वेंट के जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वेपर प्रेशर बढ़ रही है, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और एक समय ऐसा आएगा जब वो ये वाली लाइन है इस लाइन को काट देगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जब ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो किसके बराबर हो गया ये 180 में, तो यहां पर आने के बाद सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना हो गया 180, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, मतलब यहां पर जो टेम्परेचर होगा इस पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर है ये जो टेम्परेचर है वो आपका क्या कहलाएगा टीबी, क्या कहलाएगा टी नॉट बी, मतलब क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्या कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बात को समझना, ये रहा सॉल्वेंट आपका प्योर, ये पहला सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट की बात करें अभी तक अपन ने इसमें कुछ मिलाया नहीं है, प्योर सॉल्वेंट के लिए ये क्या आ गया बॉइलिंग पॉइंट, और इसका वेपर प्रेशर कितना होता है पी नॉट है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर आपने क्या मिला दिया बी मिला दिया, तो याद कीजिए इसकी जस्ट पहले हम पढ़ चुके हैं, जैसे ही हमने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, क्या मिलाया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसका वेपर प्रेशर बढ़ाया घटा क्या हुआ था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इससे नीचे होगा या इससे ऊपर होगा, सोचिए क्या होगा, ऑब्वियसली इससे नीचे होगा। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट ले रहा हूं मैं, ये आपका है किसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, किसका है सॉल्यूशन का। तो अब मुझे बताइए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आप यहां से आगे बढ़े 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 बढ़े, तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या बताई मैंने, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये पॉइंट जहां पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया वो क्या कहलाएगा टीबी, क्या कहलाएगा टीबी, ये क्या कहलाएगा टी नॉट बी। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा, तो इसका तो यहां से आपको स्टेटमेंट मिलेगा, ये स्टेटमेंट हमेशा आपको याद रखना है, क्या स्टेटमेंट याद रखना है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल ऑलवेज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देख लीजिए ना इसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको इतना ही चलना पड़ा, जबकि यहां से इसके बॉइलिंग पॉइंट तक जाने के लिए आपको इतना चलना पड़ा, तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर किसमें देना पड़ा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है सॉल्यूशन का एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो ये स्टेटमेंट इस ग्राफ से आपको क्लियर हो गया, साथ ही इस ग्राफ से आपको पता क्या पड़ा, समझना ध्यान से, इस ग्राफ से क्या पता पड़ा, तो हमें पता पड़ा क्या TB इज ग्रेटर देन TB नॉट, मतलब क्या, तो यहां पर भी बता देना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट याद कीजिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना था, तो वो था TB नॉट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना आया था हमारे पास, तो वो आया था TB। अब अगर आपको पूछे कि एलिवेशन कितना हुआ, बढ़ोतरी कितनी हुई, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको पूछा जाए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो कैसे निकालोगे, बड़ा कौन सा है टीवी, तो क्या लिखोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या लिखोगे आप टीबी माइनस टीबी नॉट, और एलिवेशन इन को क्या कहोगे डेल टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकाला हमने डेल टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। अब अपन आगे इसको डेराइव करेंगे, डेराइव करने के लिए आपको वापस एक बार जाना पड़ेगा ग्राफ में, किसमें जाना पड़ेगा ग्राफ में, ध्यान से लेना,
ये रहा आपका ग्राफ, पहली लाइन ये थी और दूसरी लाइन ये थी, ये था वेपर प्रेशर, ये था टेम्परेचर। तो मुझे बताइए कि यहां पर आपको पूछा जाए कि डेल टी बी, आपको पूछा जाए क्या कि डेल टी बी और डेल पी में क्या रिलेशन है, आपको पूछा जाए व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डेल टी बी एंड डेल पी, कि बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस का और वेपर प्रेशर में चेंजेस का क्या रिलेशन है, तो क्या बताया गया। तो देखिए यहां वेपर प्रेशर में जितना चेंज हुआ उतना ही चेंज यहां पर भी हुआ, मतलब ये कि डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी, डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी। यह अभी आपकी क्वेश्चन नंबर वन, कौन सी क्वेश्चन है वन। तो हमने क्वेश्चन नंबर में क्या बताया, डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी। अब देखो ये तो इस ग्राफ से मिल गया, तो यहां पर अपन बता सकते हैं कि बाय दी एबव ग्राफ, ग्राफ से आपको क्या पता पड़ी कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंजेस आ रहा है वो चेंजेस किसकी वजह से आ रहा है, चेंज इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर की वजह से चेंज आ रहा है। ठीक, अब देखना ध्यान से, डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी, नाउ वी नो दैट, आपको तो पता होना चाहिए, क्या बताए, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, क्या कहता है राउल्स लॉ, डेल पी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, किसके प्रोपोर्शनल होता है, डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। यह आगे इक्वेशन नंबर टू। अब देखना यहां से आपको संबंध मिलेगा, हमने ग्राफ से क्या पता लगाया, डेल टी बी डेल पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमको राउल्स लॉ ने क्या बताया कि चेंज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये पता पड़ा। ये दो अब डेल पी की जगह मैं क्या कह सकता हूँ एक्स बी, तो मैं यहां पर बताऊंगा अब बाय इक्वेशन वन एंड टू, क्या बताएंगे अपन, बाय इक्वेशन वन एंड टू, तो क्या हो जाएगा, डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अब हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, कॉन्स्टेंट, तो यहां पर मैं कॉन्स्टेंट जोड़ रहा हूं, डेल टी बी इज इक्वल टू के एक्स बी, इक्वेशन नंबर वन, क्या जोड़ दिया, डेल टी बी इज इक्वल टू के एक्स बी। अब आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर अपन ने थर्ड। नाउ वी नो डेट, यहां से आगे सेम प्रोसेस जो भी आपने कुछ समय पहले करी थी, क्या वी नो डेट एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम, बताया हमको, तो एक्स बी इक्वल टू सबसे पहले क्या बताया आपको, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो एन बी का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, डब्ल्यू बी बाय एम बी डिवाइड बाय डब्ल्यू ए बाय एन ए प्लस डब्ल्यू बी बाय एम बी। ये एन बी को अपन एक्स बी को बोल दिया, फिर हमने क्या किया था, डब्ल्यू ए अपॉन एन ए इज टू मच ग्रेटर देन अपॉन देन डब्ल्यू बी एम बी, सॉरी, तो क्या होगा, डब्ल्यू बी बाई एम बी को हम क्या काउंट कर लेंगे, नेगेटिवल। जैसे ही आप इसको नेगेटिवल काउंट करोगे तो अगली स्टेप आपके पास आ जाएगी, मैं यही लिख देता हूं इसको आगे, तो आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो ये एम ए ऊपर चला जाएगा, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ये क्या आ गया आपके पास, एक्स बी की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, एक्स बी, इस वैल्यू को ले जाते हैं हमें यहां रखना है, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ जाएगा क्या, डेल टी बी इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू बी, यह आ गया, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर फोर, कौन सी दे दी, इक्वेशन नंबर फोर। अब देखो मैंने आपको इसके पहले वाले रिलेटिव लोअरिंग इन प्रिपरेशन में बताया था कि ये संबंध आपको किससे रिगार्डिंग मिल सकता है, मोलरिटी और मोलालिटी, तो अब याद कीजिए, आप मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई थी तब भी कहा था कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी बार बार आएगी, कौन सी, मोलालिटी, कौन सी आएगी, मोलालिटी। तो अब याद करो वी नो डैट, क्या बताया आपको, क्या था मोलालिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बोले तो एन बी अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, तो ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए, ठीक है, तो ये क्या आ गया, मोलालिटी, एम बराबर एन बी अपन डब्ल्यू ए,
एन बी को खोल दे तो क्या आ जाएगा, मोलरिटी बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एन बी इंटू डब्ल्यू ए। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फाइव, तो देख लीजिए ये वाली मिली आपको, ये वाली डब्ल्यू बी अपॉन एन बी इंटू डब्ल्यू ए, तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल एन, क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल एन, जो कि क्या है, मोलरिटी। अब देखो आगे तो क्या आ जाएगा, डेल टी बी इज इक्वल टू के एम ए इंटू स्मॉल एम, क्या आ गया, स्मॉल एम। अब मैं यहां पर एक नया कॉन्स्टेंट डिफाइन कर रहा हूं, कौन सा, के बी, कौन सा, के बी। तो के बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू एम ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं नया कॉन्स्टेंट डिफाइन कर रहा हूं, के बी। अब देखना आगे, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, अब मैं इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूँ, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम, क्या आ गया फाइनल इक्वेशन, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम। अगर मैं इस कॉन्स्टेंट को हटा दूं तो रिलेशन क्या आया, डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम मतलब मोलरिटी, वेयर डेल टी बी आपका क्या हो गया, डेल टी बी बताइए क्या हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एम बराबर क्या हो गया, मोलरिटी, और के बी बराबर क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, के बी क्या हो गया आपका, कॉन्स्टेंट। तो ये थी आपकी सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो हमने यहाँ पर कंप्लीट करी। आराम से एक बार वीडियो को वापस रिवाइज करके आप देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में जो नोट्स मैंने आपको नोटबुक में दिए रखे हैं उनको आप सॉल्व करिए, स्टेप बाय स्टेप आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। अगला जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव इन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। अगला जो आपको बताना है वो है रिलेशन, ठीक है। तो अब देखो आपके पास क्या है इक्वेशन, तो डेल पी बी इज इक्वल टू के बी एम, इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन, मतलब हमें कैसे भी करके मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट एम बी तक जाना है, कहां तक जाना है, एम बी तक। तो वी नॉट एट क्या बताया आपको, वी नॉट एट क्या बताया आपको, मोलरिटी एम, एम बराबर क्या, मोलरिटी, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट एम बी बराबर डब्ल्यू ए। अब आप एम बी को खोल सकते हो कैसे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये एम इस वैल्यू को ले जाके यहां रख दो तो क्या हो जाएगा, डेल टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब आपको एम बी और इन दोनों में रिलेशन निकालना है, ये रिलेशन सीधा आ गया, या इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये आ गया डेल टी बी और एम बी के बीच में रिलेशन, वेयर एम बी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, के बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट, डेल टी बी इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डब्ल्यू ए इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये हमारी टोटल दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पर। अगला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम हमारी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेंगे वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। अभी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे पहली चीज, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन का मतलब होता है कमी, डिप्रेशन का मतलब होता है कमी, किसमें कमी, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, ठीक। तो अब हम बात करेंगे हमारी सबसे पहली चीज को फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, किसकी बात करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, कि हम फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहें। तो सबसे पहले याद रखना फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कि व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन becomes equal to vapor pressure of solid, vapor pressure of solid, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बात को समझना, उदाहरण ले रहा हूं मैं कि NaCl का एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है।
एनएसएल के एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे कि ये आपका एक ग्राफ, ठीक। मान लीजिए एनएसएल जब सॉलिड फॉर्म में है, एनएसएल कब सॉलिड फॉर्म में है, तब उसके वेपर प्रेशर का ग्राफ कुछ ये रहा, ये इसका वेपर प्रेशर है, ठीक है, सॉलिड का, ठीक। और जब एनएसएल लिक्विड फॉर्म में हो, प्योर सॉल्वेंट में, तब ये उसका वेपर प्रेशर है, और ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है और ये टेम्परेचर के ग्राफ है। तो विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इसका ग्राफ क्या हो सकता हूं, तो जिस पॉइंट पर आने के बाद NaCl का लिक्विड और NaCl का सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए तो वो टेम्परेचर आपका क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपका क्या कहलाएगा, टी नॉट एफ। क्या कहलाएगा, टी नॉट एफ। अब आपने क्या किया, इस NaCl को डाल दिया एक सॉल्यूट में, और कौन सा सॉल्यूट मिलाया इसके अंदर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। वेपर प्रेशर भी तो कम होगा सबसे पहले, तो वेपर प्रेशर कम हुआ, वेपर प्रेशर के साथ देखिए जैसे जैसे हम नीचे आए तो ये सॉलिड की लाइन कुछ यहां पर कटेगी, तो ये आपका क्या आ गया, डेल टीएफ। क्या हो गया, ये टीएफ, और ये दोनों का बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, डेल टीएफ। तो देखिए पहले क्या था, आपको इतना ही चलना पड़ा फ्रीज करने के लिए, लेकिन बाद में फ्रीज करने के लिए आपको इतना चलना पड़ा, मतलब क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट इसका कम हुआ, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ध्यान से समझ, अब इसको वापस थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिख देते हैं, एग्जांपल के लिए ले लें, जैसे कि अपन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ गया, टी नॉट एफ, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया, टी एफ। आपको पता होना चाहिए क्या, टी नॉट एफ विल बी ग्रेटर देन टी एफ, टी नॉट एफ ज्यादा होना चाहिए टी एफ से, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, डिप्रेशन कमी हो रही है, तो टी नॉट एफ यहां पर बड़ा है। ग्राफ से आपको एक रिलेशन पता पड़ी थी, बाय द ग्राफ, ग्राफ से क्या चीज पता पड़ी थी, क्या तो आपको पता पड़ी थी, द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी, डेल टी एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डेल पी के। तो ये इक्वेशन नंबर वन, ठीक। वापस वही, क्या वी नो डेट, आपको पता है क्या, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ से आप क्या समझते हो, तो डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, इक्वेशन नंबर टू। बाय इक्वेशन वन एंड टू क्या हो जाएगा, डेल टी एफ बिकम्स इक्वल टू एक्स बी, डेल टी एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, इक्वेशन नंबर थर्ड। इस इक्वेशन को थर्ड नंबर दे रही है, इसको आगे खोलते हैं तो क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए डेल टी एफ इज इक्वल टू के एक्स बी, तो ये आ गया आपके पास डेल टी एफ इज इक्वल टू के एक्स बी। अगला आपने क्या किया, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एक्स बी। अब हम क्या करेंगे, वी नो डेट, क्या बताया आपको, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी क्या हमारा, हम बार बार देख चुके हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एन बी डिवाइड बाय डब्ल्यू ए अपॉन एन ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एन बी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी लेस देन, विल बी लेस देन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब डब्ल्यू ए बाय एन ए ये डब्ल्यू बी एन बी की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो डब्ल्यू बी बाय एन बी क्या हो जाएगा, नेगेटिवल। तो आपके पास एक्स बी क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ये इक्वेशन आ गई, इसको आपने दे दिया फोर, और ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर से एक्स बी की वैल्यू ले आकर हम यहां रख देंगे, ठीक है। तो डेल टी एम बिकम्स इक्वल्स टू के इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक। अब देखो ये आपको पता है किसके इक्वल है, मोलरिटी, मोलरिटी एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। मैं पहले ही कह चुका था आपको
कि बार बार हम मोडलिटी कंसेप्ट का काम लेंगे, तो बाय इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो डेल टी एफ इज इक्वल टू के इनटू एम ए इनटू स्मॉल एम। फिर यहां पर हम क्या करेंगे, नया कॉन्स्टेंट डिफाइन करेंगे, के इनटू एम ए इज इक्वल टू के एफ, के इनटू एम ए इज इक्वल टू के एम, तो डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या गया, के एफ एम। ठीक, तो ये आपके पास आ गया अगला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, कौन सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन अब यहां पर आपका क्या है, डेल टी एफ इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, क्या है, मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, और स्मॉल एम इज इक्वल टू मोलरिटी। तो ये आ गई आपकी थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो स्टार्ट की जो ग्राफ और स्टार्ट का जो पैराग्राफ है उतना ही कंसेप्ट आपको समझना है। जैसे ही आप इस स्टेप तक आते हो उसके बाद xv की वैल्यू निकालो, फिर इसको सॉल्वेंट ज्यादा है सॉल्यूट को नेगेजिबल करो, xv को मोलरिटी में कन्वर्ट करो, मोलरिटी के बाद नया कॉन्स्टेंट डिफाइन करो, हर एक स्टेप सेम है। फिर कह देता हूं मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्लेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों में पीछे की पूरी स्टेप एज इट इज है, उसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। आप दोनों एक बार वीडियो से देख लें, नोट्स में पढ़ें, फिर आप खुद करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट सेशन में लिखें क्या दिक्कत आ रही है, कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। अगला टॉपिक आ रहा है हमारा रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या बताया आपको, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, इसको आपने देख लिया क्या, इक्वेशन नंबर वन। वी नो डेट क्या बताया आपको, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, इक्वेशन नंबर टू बाय इक्वेशन वन एंड टू। इसको ले जाकर आप यहां रख दो तो क्या आ जाएगा, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एम बी बिकम्स इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ये रिलेशन आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपका अगला रिलेशन था जो हमें डिराइव करना था। इस तरीके से टोटल हम चार कोलिगेटिव, तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं चार में से। सबसे पहली हमने आज पढ़ी कौन सी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। दूसरी हमने पढ़ी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरी हमने पढ़ी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरीके से हमारी टोटल तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर हो चुकी है। ये हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर था, इसके बाद चैप्टर का लास्ट लेक्चर अगला अपलोड होगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ये आपका लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद मैं आप सभी से आपके डाउट्स पूछूंगा कि आपको क्या क्या डाउट्स हैं, आप अपने डाउट्स अपने पास लिख कर रखें। चैप्टर के तुरंत बाद मैं आपके डाउट्स का एक आंसर लेकर आपके पास फिर से आऊंगा। और ये सारी चीजें करने के बाद जब आपका कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ सर हम इस चैप्टर के सारे वीडियोस देख चुके हैं, हमें हर एक चीज समझ में आ चुकी है, सारे डाउट्स क्लियर होने के बाद फिर मैं आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। इस चैप्टर के इनटेक्स्ट और आउटसाइड के एक्सरसाइज वाले दोनों न्यूमेरिकल में जो है वो आपको सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पर वीडियो के अंदर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं, कैसे करना है, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये सारे जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो सारे वीडियोस अच्छे से देखने हैं, उन वीडियोस को वापस रिपीट करके देखें, फिर भी कोई चीज समझ नहीं आ रही है कमेंट सेशन में लिखें, मुझे व्हाट्सअप करें, अपने डाउट्स भेजें, तो ये वीडियो के बाद मैं आपको डाउट्स वापस पूछूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।